हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज 18 फरवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS लॉन्च की? आंसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? आंसर 16 से 18 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन श्योम योजना शुरू की? आंसर लद्दाख। और लद्दाख की बात आई है तो सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बन रही है और यह एक भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही? आंसर 12.96%। तो जनवरी 2022 में भारत की थोक मुद्रा स्फीति कितनी रही है? 12.96%। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड, लॉन्च पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एवंडनर्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर के लेखक कौन है? आंसर सैमुअल मोयन। पुस्तक का नाम थोड़ा सा बड़ा है, पुस्तक द्वारा पढ़ते हैं, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एवंडनर्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर के लेखक हैं सैमुअल मोयन। नेक्स्ट, किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? आंसर यस बैंक। यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला को जोड़ने वाली कितनी लंबी सुरंग का निर्माण किया? आंसर 12.758 किलोमीटर। नेक्स्ट, बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने कब कोप साउथ 22 अभ्यास शुरू किया? आंसर 20 से 25 फरवरी। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीट शुरू की? आंसर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट, किसने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सदस्यता की? आंसर RK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने तम्बाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंसर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, टेरी के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया? आंसर PM नरेंद्र मोदी। टेरी के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया? आंसर टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट प्लानेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। किसने डार्क थॉन 2022 का पहल आयोजन किया? आंसर एनसीवी ने डार्क थॉन 2022 का पहल आयोजन किया। नेक्स्ट, किसने अमेरिका आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स की 25% हिस्सेदारी खरीदी? आंसर जियो प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स की 25% हिस्सेदारी खरीद ली है। नेक्स्ट, किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? आंसर सिडबी ने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर तुर्की। नेक्स्ट, गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर शाहरुख खान। नेक्स्ट, 15वें CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर खारू ने। नेक्स्ट, किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? आंसर दिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर चन्नीरा पोनप्पा। नेक्स्ट, IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स
किसी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया था श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स का एक नया कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? आंसर जी अशोक कुमार को देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया? आंसर पेटीएम के साथ। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सेट वन नामक उपग्रह लॉन्च किया? आंसर इसरो ने। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर संजय सोत्रिया। तो यहीं पर अपना वीडियो सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।